और बुरा गुजराती है ना, तो उसको दूसरी सिखाए। उसकी माँ देख ली, बोले काय को कन्वर्ट कर रहे। बजे भाई की तो भाई मेरे झूमते रे चल, मेरे झाई की दवाई भाई ढूंढते हुए चल, सीन लावा बावा बावा मेरा कॉल करे बोले थोड़ा बसते है बता भाई दून में किधर, बावा बसते है चल यही दून में इधर, बावा बसते है चल यही दून में इधर। बस अभी तो आपको रियल घोस्ट स्टोरी सुनोगे, रियल घोस्ट स्टोरी सुनो, टेल यू द रियल घोस्ट स्टोरी। तो मैं जूनागढ़ से हूँ, जूनागढ़ इंडिपेंडेंस से पहले स्टेट हुआ करता था जो नवाब लोग रूल करते थे, ठीक है, महाबत खान जी। और महाबत खान जी इतने डोमिनेटिंग नवाब थे वहाँ के ब्रिटिश के होने के बावजूद भी उनका बहुत चलता था। तो उन्होंने एक स्कूल बनाया था विद्या मंदिर, उसको स्कूल मत बोलो, वो पैलेस है। वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि पिछले 150 साल से उसका सिर्फ 10% हिस्सा एक्टिव है, 90% हिस्सा बंद है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो इतना बड़ा प्रॉपर्टी। और वो जो हिस्सा बंद है उसमें वहाँ के लोगों का मानना है कि उसमें चुड़ैल रहती। ऐसे नहीं कि बच्चों को डराने के लिए या कोई रूमर्स है, वहाँ के बड़े भी इस चीज़ में बिलीव करते कि रीज़न, वहाँ पे बहुत साल जो बंद किया उससे पहले कुछ कांड होते थे, मतलब लाइक कोई जुआ खेलने आता था, कोई शराब अपनी वहाँ पे बेपीने जाता था, ये सब होते थे। तो वो लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा, कोई पागल हो गया, कोई सिटी छोड़ के चला गया, किसी को अटैक आ गया। तो इस चीज़ इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही था कि वहाँ पे कोई रात में ना जाए। तो सिटी वालों ने एक चीज़ प्लान की कि शाम में 7 बजे के बाद वो स्कूल में उसके ग्राउंड में कोई नहीं जाएगा, और ये बंद कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया, कोई इंसिडेंट उसके बाद नहीं हुआ। आज से 15 साल पहले तक सब चीज़ें प्रॉपर चल रही थी, लेकिन आज से 15 साल पहले उस स्कूल में उसके ग्राउंड में क्या हुआ, मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाऊंगा। वो स्कूल के ग्राउंड में 4 बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, मैं, बुरा, हारून और इस्माइल। बुरा, मैं बहुत एवरेज बच्चा था, और बुरा गुजराती सीधा बच्चा, मतलब वो बच्चे रहते ना हैंकरचीफ रुमाल लगा के आते हैं सेफ्टी पिन में, बुरा वो बच्चा था। और हारून और इस्माइल बहुत नीच थे, वो ट्विंस थे, मतलब सगे भाई नहीं थे, एक जैसे दिखते थे। और वो इतने हरामी थे, वो भूरे के रुमाल से वो हाथ पोछते थे, और मैं एवरेज बच्चा था। हम लोग को क्रिकेट की प्रैक्टिस कराता था अबा कादर रिक्शा चलाता था, और अबा कादर तोतड़ा था, बोबड़ा विद सुर। आई टेल यू कैसा वाला, पता है, हम बोलते ना वहां जाने की जरूरत नहीं, अबा कादर बोलता था वहां जाए की जरूरत नहीं, और अबा कादर रिक्शा चलाता था बैड ऐस, बटन खुले बीड़ी पीता था। हम लोग को बड़े होकर अबा कादर बनना था। अबा कादर बहुत बैड ऐस था, उसका नॉर्मल ग्रीटिंग था वहां की क्यूट ने हुए की डाल। अबा कादर के बाल जले हुए थे आगे से, क्योंकि एक बार क्या हुआ, रिक्शा में पेट्रोल खत्म हो गया, तो तब तो टॉर्च वॉच नहीं थी, तो माचिस जला कैसे देख रहा था। अब पता है जब कोई झटका आता है तो अपनी आवाज बड़बड़ हो जाती है, तो उसकी सही हो गई थी, बोले अरे मेरे बाल जल गए। हम लोग बोले अबा कादर आवाज तो हाँ वो एक झटके के लिए। तो एक बार अबा कादर हमको प्रैक्टिस करा रहा था, तो हारून ने अबा कादर को बोला, अबा कादर तुमको पता है स्कूल में चुड़ैल है, चुने हुए कुछ नहीं हो जाए। तो हारून को अबा कादर में अपना लीडर दिखाई दिया। हारून ने अबा कादर को बोला, अबा कादर तुम नहीं डरते? तो फिर चलो जाते चुड़ैल देखने। चुड़ैल देखने का प्लान बन रहा है, मैं एवरेज बच्चा, मैं डर रहा हूं, हाँ ठीक है जाते। अब भूरे को नहीं बता रहे, क्योंकि भूरा सीधा बच्चा है, किसी को बता देगा। भूरे को सिर्फ इतना बोले कि अपने को रात में स्कूल जाने का। तो हारून बोलता है नहीं, स्कूल रात में नहीं, अमावस की रात में। पूरा स्टडी करके बैठा है वो, जो साल में एक बार आती है वो वाली रात, बोले 15 दिन बाद आने वाली। तो हम लोग प्लान के मिला, चलो ठीक है
भूरे को बोले हम तेरे को मतलब प्लान बना रहे कि 8:30 बजे तेरे को बुलाने आएंगे। भूरा बोलता है 8:30 बजे नहीं, मैं कसौटी जिंदगी की देखता। मैं बोला ठीक है 12 बजे आएंगे, क्योंकि हम लोग भी सास भी कभी बहुत ही देखते थे। प्लान बन चुका है, अब वो अमावस की रात आ चुकी है। अमावस की रात में भूरे के घर के नीचे पहुंचा, हम लोगों ने सिग्नल रखा था कि भूरा मैं तेरे बालकनी में पत्थर मारूंगा तब तू नीचे आ जाना, ये हम लोगों का सिग्नल था। पहुंचा, अब जैसे ही मैं भूरे के घर के नीचे पहुंचा ना, तो हारून और इस्माइल वहां से चल के आ रहे थे, दोनों ने गले में क्रॉस पहना हुआ। और दुरूद शरीफ पढ़ रहे। दोनों के हाथ में कांच की बोतल। तो मैं बोला हम लोग कांच की बोतल क्यों? बोले भाई इसमें चुड़ैल को पकड़ के ले गए। मैं भी तो चूतिया बच्चा हूं ना, मैं बोला इसमें ढक्कन तो है ही नहीं। बोले ढक्कन भूल गए भाई। बोला वो सब छोड़, बुरे को बुलाएंगे। तो मैं पत्थर लिया, बालकनी में मारा, दूसरे की बालकनी में गया। हारून बोलता अभी मैं मारेगा। मैं बोला नहीं अपन छूटेंगे पकेंगे। तो हम लोग छूटे, मैं जीता। तो मैं पत्थर लिया, पत्थर मारा, दूसरे की बालकनी में गया। इस्माइल बोला मैं मारूंगा। बोला नहीं छूटेंगे। तो हम लोग छूटे, मैं जीता। मतलब समझ रहे, निशाना खराब है नसीब अच्छे। तो मैं बड़ा पत्थर उठाया, जोर से मारा। अब वो पत्थर पार्किंग में जाके गिरा, और जहां पे पत्थर गिरा भूरा खड़े रह के देख रहा हमको। मैं बोला तू यहां क्या कर रहा है, तू आया क्यों नहीं अगर सामने खड़ा है तो? बोले तूने ही तो बोला था बालकनी में पत्थर जाएगा तो आना। पर कैसा चूतिया बच्चा है, इसको स्कूल का बोले यूनिफॉर्म पहन के आए, वाटर बॉटल लेके आए। हारून ने बॉटल लिया पानी फेंका, बोले ढक्कन आ गया भाई। अब इतने में अबा का जरा रिक्शा लेके ड्रिफ्ट कराते बोले। अबा का बोले भे 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 भे। भूरे को बीच में बिठाया। अब इसको बताने वाले तो क्यों जा रहे इसको, तो सेफ साइड हारून को भूरे की गोद में बिठा लिया। जम वम नहीं मार दे बैठा। अब भूरे को इनडायरेक्टली बताना शुरू किया कि भूरा अगर स्कूल में तेरे पीछे कोई बड़े नाखून में आ जाए तो तू क्या करेगा? भूरा बोलता है मैं पीटी टीचर को कंप्लेंट। अबा कदर भड़क गया, मैं जो चूहे देखे जाए। भूरा मूत दिया। अब हारून गोद पे बैठा हुआ था। अब दोनों भीगे भीगे उतरे रिक्शा से नीचे, स्कूल के बाहर खड़े चारों। भूरा रो रहा है, रोए जा रहा है। मैं बोला भूरा रोना नहीं, और तू डरेगा बिल्कुल भी नहीं, तेरा भाइयां हैं और मैं तेरे को कुछ होने नहीं दूंगा। तुम दोनों जाओ अंदर अबा कदर के साथ, मैं बाहर खड़ा हूं इसके साथ। तो बोले भाई संभाल लेगा। बोला आ जाओ तुम। ये रो रहा है। हारून इस्माइल ने निकाले टॉर्च बड़ी वाली। अबा कदर बोले क्या क्या लाए। अंदर जाना शुरू किया, लोग स्कूल में गए अंदर अंदर, बाहर में भूरे को लेके खड़ा हूं, भूरा रो रहा है, मैं हंस रहा हूं क्योंकि मैं बच गया। पागल हो गया, मर्द आदमी रोता है, हैं? मर्द आदमी है तू, रो मत। 2 घंटे के बाद हारून और इस्माइल भागते हुए बाहर आए, और हारून में काको बोलते भाई अबा कदर गया। मैं बोला तो सीधे तू क्या हो गया? वो रोते रोते बोल रहा है भाई प्रैक्टिस कर गया अबा कदर गया। अब हम चारों रो रहे। बुरा मेरे को बोल रहा है हे भाई मर्द आदमी, बोला चुप रहे। मैं घर भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि अबा कदर की रिक्शा में आए थे। अब बाहर हम लोग तो वेट कर रहे, रो रहे। उतने में अबा कदर बाहर आया,
शर्ट फटा हुआ है, बाल बिखरे हुए, अबाकदर आया बाहर बीड़ी जला, हम लोग खुश हो गए, इमोशनल रो रहे, अबाकदर को गले लगा रहे, अबाकदर तू बच गया, अबाकदर लात मारा, अबाकदर बीड़ी जला, और हम लोग पूछा भाई क्या हो गया, तो अबाकदर बोले क्या बोला, अबाकदर ने बोला मैंने चुड़ैल के साथ सेक्स किया। वैसे नहीं बोला, अबाकदर बोला मैं चूहे को चोट दी। एंड दैट मोमेंट मैं लाइक ये झूठ बोल रहा है, मतलब कुछ भी बोलता, कुछ भी बोलता, बच्चे छूती है नहीं, कुछ भी बोलता मान लेते, बट ये तो झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोलता सर्वाइव कर गया, बच के आ गया, ये वो, मतलब बोला नहीं, अबाकदर की रिस्पेक्ट ही कम हो गई, जिसको हम आइडल मानते, रिस्पेक्ट कम, बातचीत बंद, सबको बोल दिया अबाकदर से कोई बात नहीं करेगा स्कूल में, बॉयकॉट अबाकदर, हम लोग वो टाइम के ट्विटर थे। अब ये बात को हो गया 6-7-8-9 महीने 10 महीने जाने लगे, हम लोग भी थोड़े बड़े होने लगे, अबाकदर से भी बातचीत बंद, फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अमावस की रात वापस आ रही है, और हम लोग भी थोड़े बड़े हो चुके हैं, अभी 1 साल हो गया वो बात को, और अबाकदर अगर बच के आ गया तो हो सकता है चुड़ैल अंदर हो ही ना, और अगर हो भी तो शांत स्वभाव की हो, तो हम लोग बोले ट्राई करने में क्या जाता है, तब अमावस की रात आने वाली, हम फुल तैयारी कर, बोला भूरा तेरे को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तू मूत गया था, भूरा बोला मैं डायपर पहन गया था, तब पता चला हारून ने मूता था। फिर हम लोग ने 4 क्रॉस खरीदे, और भूरा गुजराती है ना, तो उसको दुरूद शरीफ सिखाए, उसकी माँ देख ली, बोले काय को कन्वर्ट कर रहे, नहीं आंटी ऐसी। अब हमारा उसकी रात आई, हम चारों लोग गए स्कूल में, वही अंदर 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 पहुंचने वाले, अंदर तक पहुंचने वाले, जैसे ही बहुत अंदर पहुंचे ना हम लोग, तो हम लोगों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, एंड हमको रियलाइज हुआ कि अबाकदर सच बोल रहा था। यही धुन में इधर बसते हैं, चल यही धुन में इधर, बाबा मेरा चल बोले थोड़ा बसते हैं, बता भाई धुन में कि